So today, we are going to introduce Copia Pakistan Center in Islamabad. Last August, Korea invested $700,000 in development of agriculture sector in Pakistan through Copia. These days, Copia Pakistan Center is especially focusing on aeroponic technology for potato seed production and post-harvest management technology in chili crop. Today, we will focus on the project of aeroponic technology for seed production. आलू पाकिस्तान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है और हर घर में ही इसका इस्तेमाल है। पाकिस्तान में ये तकरीबन 5 लाख एकड़ के ऊपर आलू उगाया जाता है और इसके लिए जो सीड है वो तकरीबन ना होने के बराबर पाकिस्तान में पैदा होता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एरोपोनिक टेक्निक साउथ कोरिया से इम्पोर्ट की है और इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में कोरिया प्रोग्राम ने कोपिया NARC में इस्टेब्लिश हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत हमने एरोपोनिक ग्रीन हाउसेज इंस्टॉल किए हैं। सो वी आर कवरिंग 3 डिफरेंट एरियाज इन विद द कोपिया potato culture, aeroponic facilities provided by Copia. Major fodder crops in Pakistan, they are introducing high yielding varieties of fodder. So locally we are producing around 15,000 tons potato seeds. So this facility, the aeroponic facility, it will be very helpful for our economy. So if we replicate this the same facility in other provinces as well, and also we introduced this facility with the private sector. So hopefully we will be able to produce our local seed in Pakistan, which will be cheaper for the farmer and for the community as well. हमारा जो पाकिस्तान का मसला आलू का है वो ये है कि हमारे पास सीड नहीं है, पूरे का पूरा सीड जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अभी हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम टिश्यू कल्चर से पौधे बना के और यहाँ पे लोकल सीड प्रोडक्शन किया जाए, और इस सिलसिले में हमने NARC और NAGAP का कोपिया के साथ कोलेबोरेशन हुआ है, ताकि मकसद ये है कि इसको हमने बड़े स्केल पे ले जाएं। तो सबसे पहले तो हम ये टिश्यू कल्चर करते हैं पौधों को, उसके बाद हमने एरोपोनिक फैसिलिटी में जो कोपिया ने हमें डेवलप करके यहाँ पे दे दी है, तो मकसद ये है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं एक तो उसको बैन किया जाए और दूसरा क्वालिटी का सीड जो है अच्छा सीड हम फार्मर्स को यहाँ से देंगे। तो इसमें जो हमारी आउटपुट एक्सपेक्टेड है वो पहली एक्सपेक्टेड तो ये है कि हम अगले 2-3 साल में जो इम्पोर्ट हो रहा है वो उसको हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम इसको इन्हांस करके अच्छा सीड देंगे फार्मर्स को, जिससे 15-25% उनकी यील्ड बढ़ेगी। और तीसरे फेज़ पे हम चले जाएंगे कि हम एक्सपोर्ट की तरफ सीड पोटैटो सीड एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे। तो इस सिलसिले में जो पहला हमारा काम टिश्यू कल्चर हम पहले से कर रहे थे, एरोपोनिक फैसिलिटी हमें कोपिया ने प्रोवाइड कर दी है और टेक्निकल सपोर्ट भी वो दे रहे हैं, फिनंशियल प्लस टेक्निकल सपोर्ट। तो उससे हमें ये होगा कि इसका स्केल जो है वो हमें इसको बड़े स्केल पर ले जाएंगे, और अल्टीमेटली हम 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं इसके, इम्पोर्ट को रोकेंगे, अच्छा सीड फार्मर्स को देंगे, और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपोर्ट द पोटैटो सीड। रिगार्डिंग दिस, लास्ट ऑगस्ट द कोरियन डेलीगेशन लेड बाय रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर हॉ तेउंग पेड कोर्टेसी कॉल टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। दिस विजिट इज एम टू एनहांस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन कोरिया एंड पाकिस्तान। Welcoming the visiting delegates, the Prime Minister appreciated the multidimensional and friendly ties existing between the two countries. He lauded the importance of cooperation between Pakistan and South Korea in diverse fields. Hello. Good morning. Hello. My name is Park from Korea. Yes. So, do you think that this temperature will be? I think it will be okay now because the last time we planted, so that time it was very hot. Very optimum temperature would be 20 to 22 Celsius degree. Right. Yes, but in this season it's very good condition. Yeah. The majority of locals in Pakistan consume potato on a daily basis.
An average Pakistani meal is incomplete if it does not have some sort of potato in it, which makes potato one of the most commonly consumed vegetables all across Pakistan. Copia's aim to improve the potato crop by producing seeds for local production in the near future. Potatoes will definitely be more cheaper and easily accessible all across Pakistan, adding to their popularity. Apart from potato seed production, Copia is also working on projects based on fodder and chili, as described by Dr. Cho in his interview. I introduced the dehydration the plant machine and the washing machines. Actually, the chili and any other crops are very important to the make the clean and the good quality products. In this coming the October 20th, we will transplant these potato seeds as a plant matter produced in the tissue culture cultivation. So around the 5,000 plantlets will be cultivated in our greenhouse. I hope this one is like the seed of our cooperation. So I hope this project can help to make self-sufficiency of seed potatoes in Pakistan. Since I came here, I found out some huge capabilities about the Pakistan. One of them is the human capacity. I met several scientists at the NIRC and other research institutes. They are all excellent scientists. I'm sure that these scientists can develop good technologies.